Hello dear kids of class 8, this is your chapter 3, Does, and book name is Communicative in English, Literature Reader. So class 8, in this video we are going to learn story of Does. Why the story name is Does there? So let's come to the chapter with the Does story. So guys, इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं. अगर आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देखने हैं, तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ. व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स देयर? मेन कैरेक्टर्स आर देयर, द वेरी फर्स्ट इज HH मुनरो साकी, जिनका निक नेम पैन नेम जो है साकी है, बट इनका नेम जो है एक्चुअल वो क्या है, HH मुनरो है, जो कि आपके चैप्टर को लिखने वाले हैं. नेक्स्ट इज आपका है नॉर्मन बर्ट्सबाय, जो कि एक जेंटलमैन है और जिनका मेन कैरेक्टर है यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर. नेक्स्ट है आपका हैरी क्रिस्पिन, जो कि नॉर्मन बर्ट्सबाय का फ्रेंड है, जो उसके साथ पार्क में बैठता है. नेक्स्ट आपका ओल्ड मैन, और एक है यहाँ पे यंग मैन, जो कि थिफ होता है. तो ये है आपके मेन कैरेक्टर्स. सो लेट्स मूव टू द चैप्टर. As you have seen, there is scene of a park. आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि पार्क का सीन है. यहाँ पे जो वो नॉर्मन बर्ट्सबाय है वो बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई कोई जैसे इनका देखो रोड कैसे निकला हुआ है, तो यहाँ पर जैसे वो बेंच के ऊपर बैठे, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो है वो है कि कोई भी यहाँ से जाता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे काफी ट्रैफिक का भी शोर होता रहता है पार्क में जहाँ पे बैठे होते हैं, और जो लोग है वो इधर उधर घूमते रहते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ. व्हाट इज गिवन दैट? जो आपका लेसन है ये HH मुनरो ने लिखा है, जिनका पेन नेम साकी, जो मतलब यहाँ पर साकी के नाम से फेमस है. और ये जो एक ऐसी स्टोरी है, हमेशा क्या करने के लिए फेमस है? अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के लिए. मीन्स जिस एंडिंग का हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, ऐसी ये स्टोरीज की एंडिंग कर देते हैं. सो इनका जो इंटरेस्टेड होता है, इनका जो एंड होता है चैप्टर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. जो नॉर्मन बर्ट्सबाय हैं वो यहाँ पर बेंच पे बैठे हुए हैं पार्क के अंदर, और वो यहाँ पर कैसे बैठे हैं, जो बुश प्लांटेड सॉर्ड है, जो यहाँ पर ग्रास है उसकी तरफ से जो है दीवार की तरफ वो बेंच जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो रेलिंग्स लगी हुई है पार्क के अंदर. जैसे है ना जो रेलिंग्स, ये जो आयरन की बनी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, ये पार्क के पास यहाँ पर लगी हुई है. और यहाँ पर पार्क में जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था क्या था, यहाँ पर देखो जैसे ये रोड निकला हुआ, इस रोड पे जो है यहाँ पर ट्रैफिक की साउंड उनको बार बार सुनाई देती है. तो यहाँ पर बैठे होते हैं, यहाँ पर जो टाइम है वो क्या होता है, 6:30. ये जो वो डस्क का टाइम है, डस्क क्या होता है, शाम, जो आपका सनसेटिंग के बाद का जो टाइम होता है ना, थोड़ा सनसेट होता है उसके आसपास के टाइम को बोलते हैं, शाम के टाइम को डस्क बोलते हैं. तो यहाँ पर 6:30 का टाइम था, जो कि मार्च मंथ में होता है. और यहाँ पर जो सीन था वो ऐसा था कि जो स्ट्रीट की लाइट्स थी वो ऑन हो चुकी थी, और मून लाइट जो है वहाँ पर आने शुरू हो चुकी थी, मीन्स मून भी स्काई में दिखना शुरू हो चुका था. अब जैसे ही वो पार्क में जाके बैठता है, तो कुछ मैन और वीमेन भी यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं. अब यहाँ पर जो राइटर है वो कहता है कि यहाँ पर ऐसे मैन और वीमेन बैठते हैं जो कि डिफीटेड हैं अपनी लाइफ में, जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ हार चुके हैं, और वो इस डार्कनेस में क्यों बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनको देखे, क्योंकि वो लाइफ से हार चुके हैं. तो ऐसे लोग यहाँ पर आके बैठते हैं. और यहाँ पर जो ये नॉर्मन बर्ट्सबाय है वो अनमैरिड है, क्योंकि अगर वो मैरिड होता तो घर पे जाता, लेकिन वो यहाँ पर बैठ के अपना टाइम पास कर रहा होता है. तभी एकदम से क्या होता है, यहाँ पर वो एक नोटिस करता है कि कोई जो है यहाँ पर जेंटलमैन, एक सबसे पहले क्या आता है, एक ओल्ड मैन आता है, जिसने कि ओल्ड फैशन के कपड़े डाले हुए होते हैं, काफ़ी शैबी होते हैं, मतलब काफ़ी गंदे से भद्दे से होते हैं. और ये मतलब इतना ज़्यादा एल्डर जो मैन होता है वो इतना जेंटलमैन भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है. जेंटलमैन तो है लेकिन मतलब वो ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट नहीं दिखाई देता, वो ज़्यादा इनसे बात भी नहीं करता. जैसे देखो आपको दिख रहा है इमेजिनेशन, यहाँ पर इमेज में क्या दिख रहा है कि जो जेंटलमैन है वो बैठा हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास बात नहीं करते हैं. और यहाँ पर उसका शैबी सा क्लोथ होता है, तो नाइट जो आपके इवनिंग का टाइम है यहाँ पर आराम से वो बैठे हुए हैं. जो ये ओल्ड पर्सन है कुछ ना कुछ अपने अंदर ही अंदर बोलता रहता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है, सेल्फ टॉक करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो बर्ट्सबाय उसको कुछ भी नहीं बोलता. अब वो यहाँ से थोड़ी देर के बाद चला जाता है, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अपने आप से बातें करता हुआ.
नेक्स्ट जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक यंग मैन आता है, और ये जो यंग मैन होता है वो काफी वेल ड्रेस्ड होता है, काफी रिच फैमिली से लगता है, और वो यहाँ पर सामने आकर के जानबूझ के अपनी अट्रैक्शन जो वो सबको देना चाहता है कि यस वो कोई ना कोई यहाँ पर आ चुका है। तो वो आके क्या करता है, एकदम से वो उसके पास खड़ा हो जाता है। किसके पास? गोड्स बाय के पास आके वो खड़ा हो जाता है, और बेंच पे फिर वो बैठ भी जाता है। और वो यहाँ पर जो है, जो गोड्स बाय है, वो कहता है कि तुम कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो, ठीक है। तो कहते कि इसको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई ये अच्छे मूड में नहीं है। यहाँ पे जो यंग मैन होता है वो गोड्स बाय की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि अगर किसी का कुछ, कोई किसी उलझन में फंसा हुआ हो, ग्रेट फिक्स मीन्स उलझन में फंसा हुआ हो, तो तुम क्या सोचते हो, वो अच्छा बिहेव करेगा या फिर वो मतलब अच्छे मूड में दिखाई देगा? वो कहता है कि मैं एक उलझन में फंसा हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो गॉड्स बॉय है वो कहता है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि तुम ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो या डिस्पैशनेट हो। तो कहते कि तुम्हें देखने से तो ऐसा इतना कुछ लग नहीं रहा। तो कहते कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा उलझन में फंसा हुआ हूँ क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम में आ गया हूँ। कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वो अपनी स्टोरी अपने आप से सुनाता रहता है। कहता है कि क्या हुआ कि मैं जो हूँ यहाँ पर होटल में आया था, और होटल में ठहरने के लिए जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ बैक स्ट्रीम में, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं होटल की जगह पे देखता हूँ कि यहाँ पर थिएटर है। मीन्स मैंने देखा, किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर होटल है, लेकिन एक्चुअल में क्या मिलता है यहाँ पर, तो होटल की जगह पे थिएटर मिलता है। तो मुझे अपना होटल नहीं मिल पाता। तो तभी जो उसका टैक्सी ड्राइवर होता है वो उसको रिकमेंड करता है, बताता है कि ठीक है यहाँ पर चलो थिएटर है, कोई बात नहीं, हम कहाँ चलते हैं, हम किसी और होटल में चलते हैं, आप वहाँ पे रुक लेना। तो वो उसको लेकर के किसी दूसरे होटल में चला जाता है, और वो वहाँ पर रुक जाता है। उसे इस नए होटल का पता भी नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। तो लेकिन वो इस होटल में जैसे वो जाता है अंदर, तो वो यहाँ का सोप यूज नहीं करना चाहता, यहाँ पर जो सोप है, साबुन है होटल का, वो यूज नहीं करना चाहता। तो इसलिए वो सोप परचेज करने के लिए किसी शॉप पे चला जाता है, और जैसे वो शॉप पे जाता है, वहां से आने के बाद, सोप परचेज करने के बाद, वो अपना एड्रेस ही भूल जाता है कि कौन से होटल में वो यहाँ पे था, ठीक है। तो ये अपनी सारी स्टोरी किसको सुना रहा है? गॉड्स बाय को सुना रहा है, यंग मैन। अब यहाँ पे कहते हैं कि सडनली मुझे रियलाइज होता है कि मैं तो वो स्ट्रीट भूल ही गया हूँ, मैं तो सारी जगह भूल गया हूँ जहाँ पे मैं आया था, मैं अपने होटल का एड्रेस ही भूल गया हूँ। और लंदन में ऐसी जगह पे जहाँ पर कि आपका कोई रिलेटिव भी नहीं है, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो, कितना मुश्किल हो जाता है वहाँ का एड्रेस जानना। लेकिन अगर कोई बंदा वहीं का रहने वाला हो और वहाँ के होटल का एड्रेस भूल जाए तो कितना गलत होता है। तो यहाँ पर कहता है कि वो बाइंग द सोप को खरीदने के बाद, गेटिंग द ड्रिंक लेने के बाद, हियर आई एम, मैं यहाँ पे आया हूँ, वैंडरिंग, मैं यहाँ पर एमलेसली घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा होटल का एड्रेस क्या है। और कहता है कि मेरी पॉकेट में भी बहुत कम पैसे हैं, बिल्कुल 2 पेंस है। 2 पेंस यहाँ पर करेंसी का नेम है कि मेरे पास जिसमें 2 क्वाइंस होते हैं, कि मेरे पास तो जस्ट 2 क्वाइंस ही हैं, और मैं इस रात में कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, तो इसलिए जो है मैं, मेरा मूड सही नहीं है। ये जो है यहाँ पर गॉड्स बॉय है, और ये जो मैन बैठा हुआ जो अपनी स्टोरी सुना रहा है, ये है यंग मैन। ओके, अब ये कहता है कि मैं अपनी स्टोरी में बताता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मेरे पास तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, और फिर मैं मतलब कैसे अपनी रात को बिताऊंगा। तो उसकी बातों को सुन करके ये जो गॉड्स बॉय होता है वो कुछ सोच रहा होता है, तो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? तो गॉड्स बॉय कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे अपनी एक बात याद आ गई कि जब हम फॉरेन कैपिटल में गए थे वहां पर घूमने के लिए, तो हम भी जब वो होटल का एड्रेस भूल गए थे, ठीक है, तो हम वहाँ पर जो है अपना जब एड्रेस भूल गए थे, तो वहाँ पर जो हमारी अपनी कंट्री के लोग हैं, हम वहाँ पर गए, हमने उनसे हेल्प ली, तो जो हम है, हमारा जो रिमिनेंसेस है, वहाँ पर जब हम गए तो हमें वहाँ से हेल्प मिल गई, हमें अपना एड्रेस मिल गया था, हम अपने होटल में वापस चले गए थे। तो अब यहाँ पे कहता है कि फॉरेन में कितना मुश्किल होता है ना जब हम अपने एड्रेस को भूल जाते हैं। तो उसके बाद कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, हम भी ऐसे उलझन में फंस गए थे। तो अब यहाँ पर जो यंग मैन है वो उसको पूरी तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यस उसके साथ ऐसी हैपनिंग हुई है। अब कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन कहता है, अब जो गॉड्स बॉय है मनी मन सोचता है कि इसका जो वीक पॉइंट है वो क्या है उसकी स्टोरी का, कि उसके पास सोप नहीं, मतलब कहता है कि अगर वो शॉप पे गया था,
सोप परचेज करने के लिए, तो उसके पास सोप तो होना चाहिए। तो ऐसा जब वो बोल रहा होता है तो एकदम से वो यंग मैन है वो सुन लेता है, वो सुन लेता है कि वो सोप के बारे में कुछ बोल रहा है। तो कहता है कि हाँ मैंने सोप तो परचेज किया था, लेकिन क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में मेरा सोप कहीं मेरे बोट से मेरी जो पॉकेट वहाँ से गिर गया है, शायद वो कहीं पर उछल के गिर गया है, और जैसे मैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा था तो शायद वो सोप कहीं रास्ते में ही गिर गया है। तो कहता है कि तुम कितने केयरलेस हो, गोड्स बॉयज को कहते हैं तुम कितने केयरलेस हो कि तुम अपने साबुन को भी नहीं संभाल पाए। तो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं मतलब मेरे से ये गलती हुई है, इट वॉज अ पिटी, कहते हैं लेकिन ये बहुत दया की बात है, बहुत ही सिंपथी वाली बात है कि जो है द गोइंग आउट टू गेट, कि जो है अपना तुम्हें कुछ भी जगह नहीं मिल पा रही है, और ना ही ये उसको अपना सोप अपना साबुन वो ढूंढ रहा था तो उसको साबुन भी नहीं मिल पाता है। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस फील करता है कि अब क्या करूँ। तो गोड्स बॉय जो है रोज अप टू वॉक, गोड्स बॉय सोचता है कि ये तो ना ऐसे कहानियां बना रहे हैं, इसके बाद में कोई सच्चाई नहीं है। तो गोड्स बॉय वहां से उठ खड़ा होता है वहां से निकलने के लिए, तभी एकदम से क्या होता है कि वो भी वहां से चला जाता है, जो यंग मैन है वो भी वहां से चला जाता है, और ये जो गॉड्स बॉय होता है वो भी अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो तभी एकदम से वो बेंच की तरफ एकदम से वो नीचे झुक के देखता है, तो क्या देखता है, उसको एक सोप दिखाई देता है, कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है, कुछ पैकेट दिखाई देता है। तो देखता है कि इस पैकेट में क्या है, जब वो उस पैकेट को खोल के देखता तो देखता कि अरे ये तो सोप है, ये तो वही सोप है जो कि वो जेंटलमैन बोल रहा था, जो कि वो यंग मैन बोल रहा था कि उसका गुम हो गया है। ठीक है, तो जैसे वो देखता कि अरे ये तो सोप उसी का हो सकता है, तो भाग करके आवाज लगाता है, बोलता है कि अरे यंग मैन रुको, तुम्हारा सामान कुछ यहाँ पर मिला है। तो यंग मैन जो एकदम से जो वहां पर पीछे मुड़ के देखता है, वैसे तो भाग रहा होता है लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है कि हुआ क्या है। एकदम से वो कहता है कि अरे तुम सही बोल रहे थे, क्योंकि देखो तुम्हारा जो सोप है वहीं पे बेंच के नीचे पड़ा हुआ मुझे मिला है, और तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है तुम्हारे साथ ऐसी हैपनिंग हुई है, मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करूंगा, तो तुम ऐसा करो, क्योंकि वो जो था ये जो यंग मैन था ना वो चोर था यहाँ पर, और वो चोरी मतलब वो दूसरों को ठगता था, और ये जो यंग मैन है ना जैसे लोगों को ठगा करता था तो अपनी झूठी झूठी कहानियां बना करके सुना दिया करता था। तो यहाँ पर ये भी स्टोरी जो है उसकी झूठी कहानी ही थी, क्योंकि वो यहाँ पर उससे क्या लेना चाहता था, पैसे लेना चाहता था। तो वो कहते कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर कोई यंग मैन मुझे मिल जाता, कोई गुड पर्सन मुझे मिल जाता तो मुझे पैसे मिल जाते। लेकिन यहाँ पर गोड्स बॉय उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो उसको वहां से चले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जो सोप उसको बेंच के नीचे मिलता है तो सोचता कि अरे नहीं, ये तो पर्सन बिल्कुल सही बोल रहा था, इसका मतलब मेरे से ही कोई गलती हुई है इसको समझने में। तो वापस भाग के उस आदमी के पास वो जैसे ही जाता है तो उसको रोक लेता है और बोलता कि लो तुम्हारा सोप मुझे मिल गया, और ठीक है तुम जो है मुसीबत में फंसे हुए तो ये लो। तो उसको कुछ पैसे दे देता है और बोलता कि अगर तुम्हें और भी कुछ पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, ठीक है तुम्हें अगर कुछ और पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। वो ऐसा बोल करके वहां से चला जाता है, और उसको उससे पैसे लेते ही वो जो यंग मैन होता है भाग लेता है यहाँ से। देखो कैसे भाग रहा है यंग मैन यहाँ से, इस गोड्स बॉय से पैसे लेने के बाद। तो वो चला जाता है, कहते चलो कोई बात नहीं, वो जल्दी में अपने घर जाने के तो इसलिए भाग रहा होगा। सो पुअर बॉय एज ए नियर बाय एज अ पॉसिबल ब्रोक डाउन, सेड गोड्स बॉय टू हिमसेल्फ, आई डोंट वंडर इधर द रिलीफ फ्रॉम द कंट्री मस्ट हैव बीन एक्यूट, इट्स द लेसन टू मी। कहते कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम उसका काम तो चल गया। फिर वो कहता कि अरे इससे मुझे एक मैसेज सीखने को मिलता, मुझे एक लेसन सीखने को मिला कि कभी भी ज्यादा चलाक नहीं बनना चाहिए हमें, और किसी के हालात से उसको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो हमें इतना क्लेवर इतना चलाक नहीं बनना चाहिए, हमें जो है उसके सर्कमस्टांस को देख करके जज नहीं करना चाहिए, मीन्स हमें थोड़ा अच्छे केयरफुल होकर के उसको जज करना चाहिए। तो जैसे ही वो उसकी हेल्प करने के बाद वापस दोबारा से पार्क में ये आता है, देखो इमेज में दिखाया जैसे वो चोर जो है पैसे लेके से भाग गया, और ये जो गोड्स बॉय वो वापस आता है बेंच के पास से अपने घर जाने के लिए आता है, तो एकदम से देखता है कि कोई बेंच के पास कुछ ढूंढ रहा होता है, और ये वही ओल्ड मैन होता है जो सबसे पहले उसके पास बेंच पे आके बैठता है। सो जो गोड्स बॉय होता है रिट्रेस्ड हिज स्टेप्स पास्ट द सीट वेयर द लिटिल ड्रामा हैड टेकन, जहां से वो शुरू हुआ था वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। तो वो देखता है कि जो ओल्ड पर्सन है वो वहां पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तो वो कहता है कि अरे तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या कुछ तुम्हारा गुम हो गया है।
तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मेरा जो है वो केक ऑफ सोप गुम हो गया, मतलब मेरा साबुन गुम हो गया है, और इसी में जो चैप्टर आपका एड हो जाता है। कहने का मीन्स जो वो सोप था एक्चुअल में उस ओल्ड मैन का था, क्योंकि सबसे पहले बेंच पे आके कौन बैठता था, सबसे पहले गोड्स भाई आके बैठा था इस बेंच पे, उसके बाद ओल्ड मैन उसके पास आके बैठ जाता है, वो अपने आप से बात करता है, और जो वो वहाँ से उठ के जाता है ना, एक्चुअल में उसका सोप यहाँ पर गिर जाता है। उसके जाने के बाद ही ये जो यंग मैन है यहाँ पे आता है और वो अपनी कहानी सुनानी शुरू कर देता है। लेकिन बाई चांस जब जो ये गोड्स भाई अपने घर जाने के लिए खड़ा होता है तो देखता कि अरे बेंच के नीचे सोप पड़ा है, तो वो सोचता है कि ये सोप जरूर उस यंग मैन का है, तो जाके उस यंग मैन को आवाज लगाता है, रोकता है, उसको पैसे देता है, उसकी हेल्प करता है। लेकिन पैसे लेते हुए जो चोर होता है भाग जाता है यंग मैन, जो अपने आप को बोलता है कि वो लंदन आया हुआ है। उसके बाद गोड्स भाई जैसे ही दोबारा उसी रास्ते से अपने घर जाने के लिए वापस आता है तो देखता है कि ओल्ड मैन क्या कर रहा होता है, यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है। तो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ गुम हो गया, तो कहता है कि हाँ मेरा सोप गुम हो गया, मेरा साबुन गुम हो गया। तो मीन्स कहने का कि फाइनली वो साबुन किसका था, ओल्ड मैन का था। अब यहाँ पर इसको गोड्स भाई को एक लेसन सीखने को मिलता है कि देखो मतलब लाइफ में जो है हमें एक मैसेज सीखना चाहिए कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो धोखा देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पर गोड्स भाई को ये शिक्षा मिलती है, ये लेसन मिलता है कि हमें लोगों पर ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जैसे कि उसने उस यंग मैन के ऊपर किया। तो ये थी आपकी स्टोरी, ये आपकी चैप्टर 3 डस्क की। इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर।